एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कैन आई टीच यू। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर पढ़ा था, तो आज के लेक्चर को पिछले लेक्चर से कनेक्ट करते हुए कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर नोट्स देख पा रहे हैं, इसी नोट्स के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, पहली हेडिंग है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो चलिए देखते हैं दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इस तरह से तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाकर देखेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। अवतल दर्पण बनाते हैं, उत्तल दर्पण भी बना सकते हैं हम लोग। देखिए, किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये दर्पण का ध्रुव है पी, और यहाँ पर कहीं सी होगा इसका। जैसे कि हम लोग सी किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र को कहते हैं, और हम लोग ये अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। देखिए, इस सी और पी को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ गए आप? देखिए एक बार फिर से, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु पर पोल होता है, और पोल और सी को मिलाने वाली रेखा को, देखिए एक बार और, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए इसमें भी यही कहना चाह रहे हैं नोट्स में। देखिए आप, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये दर्पण का ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसे हम लोग और बढ़ाकर भी लिख सकते हैं इस तरह से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग दर्पण का द्वारक पढ़ेंगे। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। एक बार इसका नाम दे रहे हैं M1 और ये है M2, ठीक है। मुख्य अक्ष समझ चुके हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं मुख्य अच्छा, मुख्य अच्छे समझ चुके हैं। अब दर्पण का द्वारक समझेंगे। देखिए, M1 और M2 को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये तो बहुत इजी हो चुका है। M1 और M2 को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब जैसा ये बताना चाह रहे हैं वैसे भी देख लेते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं। गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब व्यास ही नहीं पता है हमें, तो द्वारक क्या समझेंगे। तो पहले एक बार व्यास समझ लेते हैं। ये क्या है, सर्कल है एक, अच्छे से बना लेते हैं सर्कल को। ये देखिए सर्कल है जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं। वृत्त के इस तरह से, वृत्त में जीवा होती है, सभी को पता है। वृत्त में इस तरह से लाइन होती है तो उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। लेकिन यही जीवा जब मध्य बिंदु से होकर गुजरती है, जब व्रत में इस लाइन को क्या कह रहे हैं हम लोग, जीवा कहते हैं। लेकिन यही जीवा जब मध्य बिंदु से गुजरेगी तो उसे व्यास कहते हैं हम लोग, यानी रेडियस का डबल हो जाता है। व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल हो जाता है। उसी तरह इसमें भी देखिए, ये गोली दर्पण है, गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये देखिए गोली दर्पण था, M1 और M2 से लाइन खींची, इसे क्या कह रहे हैं, व्यास कह रहे हैं। M1 और M2 से लाइन खींची, इसी को व्यास कह रहे हैं, और व्यास को क्या कह रहे हैं हम लोग, गोली दर्पण का द्वारक। तो चलिए आप समझ गए इसे एक बार, लेकिन हम लोग और देख लेते हैं। M1 M2 को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का व्यास कहते हैं, और इस व्यास को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोकस दूरी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फोकस यहाँ पर कुछ होगा, और फोकस किस दूरी किसे कहते हैं, ये पोल और ये फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इनकी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इस दूरी और इस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक बार लिख भी देते हैं इसे, फोकस दूरी। आप समझ गए होंगे, ये बिल्कुल आसान है, इसके पीछे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। देखिए पोल और फोकस को मिलाने वाली रेखा को फोकस दूरी कहते हैं। एक बार देख लेते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की ये दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए आप इस बात को? एक बार यहाँ पर दर्पण का द्वारक भी लिख देते हैं। ये क्या है? दर्पण का द्वारक है। M1 और M2 को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं और इस व्यास को हम लोग गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए मुख्य फोकस पढ़ने वाले हम लोग। मुख्य फोकस, जैसा कि आप बोर्ड पर नोट्स देख पा रहे हैं, इसी नोट्स के अकॉर्डिंग एक एक लाइन को हम लोग फिगर के साथ समझते हुए चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को इस कदर अच्छा क्लियर करने वाले हैं ताकि आने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, इस नोट्स को आप हाई स्कूल और ट्वेल्थ लेवल पर बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से साफ साफ उतार लें ताकि एग्ज़ाम टाइम और एग्ज़ाम से पहले अच्छे से रिविज़न कर सकें। तो चलिए देखते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। पहली लाइन पढ़ेंगे और उसे अप्लाई करेंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। सबसे पहले मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा है मुख्य अक्ष, तो देखते हैं हम लोग मुख्य अक्ष समझ गए या नहीं समझ गए। जैसा कि आपको बताया था, पोल और सी को मिलाने वाली रेखा को, पोल और सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोगों को आता आएगा, आप भी समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो चलिए इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कह रहे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। दर्पण का तो मुख्य अक्ष ये है। अब मान लीजिए यहां से कोई किरणें चल रही है, ठीक है, वैसे तो मल्टीपल लाइट रेस चल रही है, लेकिन हम लोग सिंगल कंसिडर करेंगे ताकि अच्छे से समझ सकें। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, लाइट रेस आती हैंगी और ये इस तरफ से कुछ लाइट रेस आ रही हैं, यानी कि किरणें आ रही हैं और दर्पण पर पड़ती हैं। दर्पण से परावर्तन होगा। देखिए ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में लाइट रे क्या होती है, इस तरह से निकलती हैं। देखिए ये हल्का सा बेंड हो रही है, लेकिन ये एकदम सीधी लाइट रेस जाएंगी। आप इसे अपनी कॉपी में फोटे का यूज करके बना सकते हैं, एकदम सीधी लाइन। और देखिए इस तरह से गई और ये परावर्तन हो गया। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलेंगी, एक बार फिर से देखिए क्या बोला था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेंगी उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो और इसे हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं एफ के बारे में, फोकस दूरी जैसा पढ़ा था। तो मुख्य फोकस किसे कह रहे हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेंगी उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए इधर से भी कुछ लाइट रेज आती है नीचे से और इस तरह से निकलती हैं, तो ये भी उसी पॉइंट से गुजर रही, तो इसे क्या कहेंगे, फोकस। ये वाले को हटा देते हैं, इसे यहां पर लिख लिया हम लोगों ने, फोकस कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझ गएंगे। और कह रहे थे मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, देखिए एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये दर्पण का मुख्य अक्ष था, ये समांतर चल रही किरणें हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं परावर्तन के पश्चात, परावर्तन हुआ, देखिए परावर्तन के पश्चात क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। देखिए ये मुख्य अक्ष है, परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिली हैं, इसे क्या कह रहे हैं, फोकस कह रहे हैं, मुख्य फोकस। देखिए बोल रहे हैं मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यहां पर तो मिल रही है, अब मिलती हुई प्रतीत होती से इनका क्या मतलब है, ये हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे। चलिए अवतल दर्पण में समझ गए, यहाँ पर लाइट जो है वास्तव में मिल रही है। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक बार फिर से देखें हम लोगों को मुख्य अक्ष आता है या नहीं आता है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, एक बार फिर से देखेंगे। देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, पोल और
वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ये सी है, ये वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये समझ गए हैं आप? बिल्कुल, हम लोग मुख्य अक्ष अच्छे से समझ चुके हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। फिर से देखिए क्या कह रहे हैं हम लोगों ने जो बनाया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हम लोगों का ये कौन सा दर्पण है? मुख्य अक्ष तो हम लोगों का ठीक है, लेकिन पी मैंने क्यों मिटा दिया? ताकि यहां पर एक लाइन और आएगी, देखिए इस तरह से एक लाइन क्या आएगी, इसी लाइन को हम लोगों ने थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया, देखिए आगे बढ़ा लिया, और पोल को यहां पर लिख दे रहे हम। अब देखिए लाइट रे किधर से आएंगी, इस ओर से लाइट रेज आएंगी और दर्पण के चिकने तल पर पड़ती है, ठीक है? तो लाइट इधर से आई इस तरह से, ठीक है, लाइट रेस इस तरह से आई और इस तरह से निकल गई, यानी कि यहां से रिफ्लेक्ट होंगी लाइट, तो देखिए रिफ्लेक्ट होकर इधर से इस तरह चली गई और दूसरी लाइट और उत्तल दर्पण पर इंसिडेंट होती हैं और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। देखिए ये लाइट रेस इंसिडेंट हुई कॉन्वेक्स मिरर पर और रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर इस तरह निकल गई हैं, देख रहे हैं आप, ऊपर की ओर जा रही हैं रिफ्लेक्ट होकर। और आगे बढ़ाने पर क्या कह रहे हैं, जिस पॉइंट, अब यहां पर मैं खड़ा हूं, जिस तरह से मुझे क्या लग रहा है, लाइट रेस इधर से जा रही है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए जो लाइट इस तरह से जाएगी टकरा कर, वो मुझे एकदम क्लियरली दिखाई देगा, दूर से भी अगर मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ। ये मैं रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ, ना कि इस फिगर की, ठीक है? जब इस तरह से मैं खड़ा होऊंगा और सामने कोई उत्तल दर्पण होगा, मेरे लाइट रेस मेरे पीछे से जा रही होंगी, उन लाइट रेस को तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो लाइट रेस उत्तल दर्पण से टकरा कर निकलेंगी उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग समतल दर्पण पर लाइट को समतल दर्पण पर गिराते हैं और लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर दूसरी ओर जाती, तो हम लोग देख पाते हैं कि वो पॉइंट चमक रहा होता है। उसी तरह देखिए इसमें भी लाइट रेस इस ओर जाएगी तो ये पॉइंट चमकने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। तो देखिए जब लाइट रेस इस ओर से आएगी तो ऐसा लगेगा कि लाइट इस यहां से नहीं चलकर बल्कि यहां से कहीं से आ रही है, इस तरह से, इस तरह से। जब यहां पर हम खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा कि लाइट इस तरफ से ऐसे आ रही है, ठीक है? और ये वाली लाइट कैसे लगेगी, इस तरह से, और जिस पॉइंट पर मिलेगी उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। जिस पॉइंट पर लाइट मिलेगी उसे मुख्य फोकस कहेंगे। एक बार देखिए फिर से क्या कहें, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है और इसके समांतर देखिए किरणें चल रही हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिली यहाँ पर या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, देखिए मिलती है या मिलती हुई, ये बिल्कुल ठीक लिखा था, आप इसे ऐसे ही रहने देंगे, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पर रियलिटी में, वास्तव में मिल रही थी, जबकि यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर हो रही है, ना कि वास्तव में मिल रही है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो इस तरफ से ऐसा लग रहा है लाइट गई और इस तरफ से आ रही है, ना कि जब इस तरफ से आती हुई लग रही है, ना कि लग रहा है कि इस तरफ से टकरा कर जा रही है। समझ रहे हैं आप बात को? इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, मुख्य फोकस तक समझ गए हम लोग। जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, और जिस पॉइंट पर मिलती हैं वास्तव में उसे मुख्य फोकस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अवतल दर्पण में परावर्तित किरणें फोकस पर वास्तव में मिलती हैं, वही बात ये कहना चाह रहे हैं। देखिए ये किरणें परावर्तित होकर इस पॉइंट पर वास्तव में मिल रही हैं, ये ठीक है, यहाँ तक हो गया, वास्तव में मिल रही हैं, मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरणें हैं, देखिए परावर्तित किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये किरणें परावर्तित होकर देखिए इस तरह से गई है, तो हमें क्या लग रहा है यहाँ पास से,
कि लाइट उस तरफ से आ रही है। लाइट क्या लग रहा है कि इधर से आ रही है, ना कि यहां से आ रही है, ठीक है। इसलिए इसे कह रहे हैं मिलती हुई प्रतीत होती है, परावर्तित किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। अवतल दर्पण आगे बढ़ेंगे, देखिए अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है तथा अवतल दर्पण का फोकस आभासी होता है, ऐसा क्यों कह रहेंगे? देखिए ये अवतल उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस, फोकस पर लाइट रियल में मिल रही है, इसलिए क्या कह रहे हैं फोकस वास्तविक है, जबकि यहाँ पर सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसे क्या कह रहेंगे, आभासी फोकस कह रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल आसान था और इसे हम लोग अच्छे ढंग से समझ गए हो, आप इसे आसानी से समझ गए होंगे और ये बहुत आसान है, आप सिर्फ नोट्स पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना आसान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अवतल दर्पण में फोकस, अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, उत्तल दर्पण में फोकस पीछे की ओर होता है, तो इसमें क्या नया है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण की ओर है, ये दर्पण है, दर्पण की ओर है वक्रता केंद्र, उसी तरह हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोकस भी दर्पण की ओर होता है, हालांकि हम लोगों ने इस बात को डिस्कस नहीं किया था। देखिए दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस दर्पण की ओर है, जबकि उत्तल दर्पण में देखिए फोकस दर्पण की दूसरी ओर है, दर्पण का मेन हिस्सा है जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और जिस ओर पेंटेड हिस्सा है वहाँ पर देखिए फोकस है। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, देखिए ये दर्पण है और फोकस दर्पण के सामने है, और उत्तल दर्पण में फोकस और उत्तल तथा उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है, यही कहना चाह रहे हैं। देखिए अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, यहाँ पर देखिए फोकस है सामने, जबकि तथा उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है, ये उत्तल दर्पण है और फोकस किस ओर है, दूसरी साइड है। तो ये क्लियर है आपको, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। आप इन नोट्स को कॉपी में उतारेंगे और अच्छे ढंग से रिवीजन करेंगे ताकि आने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मिरर की पढ़ ली है, आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग यू वी एफ के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डेरिवेशन सॉल्व करने वाले उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। उसके बाद हम लोग अपना 1/u + 1/v = 1/f वाले फॉर्मूले पर काम करेंगे और उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैन आई टीच यू एंड थैंक यू अगेन।